नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। आप इस इमेज पर देख सकते हो, ये जो नट है इस नट के ऊपर जंग लग गया है और जंग लगने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है। जंग लगे हैं नटबल को खोलने में बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हो तो कभी नटबल के ऊपर जंग ही नहीं लगेगा। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं नट बोल्ट के ऊपर जंग कैसे लगता है। जब लोहे से बने सामान पानी और ऑक्सीजन दोनों के संपर्क में आने से लोहा प्रतिक्रिया करते हैं और लोहे पर आयरन ऑक्साइड जम जाती है और आयरन ऑक्साइड को ही जंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नट बोल्ट पानी और ऑक्सीजन दोनों के संपर्क में आने से ही जंग लगता है। अगर पानी और ऑक्सीजन दोनों के संपर्क में आने से रोक देने पर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे में जंग लगने से बचाव के कई तरीके हैं, उनमें से दो तरीके सबसे आसान हैं। पहला तरीका है पेंटिंग। लोहे से बने सामानों पर पेंट की एक या दो परत चढ़ा देने से उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। इससे लोहा पानी और ऑक्सीजन दोनों के संपर्क में नहीं आएगा और जंग भी नहीं लग पाएगा। दूसरा तरीका है लोहे से बने सामानों पर ग्रीस या तेल की परत चढ़ाना। लोहे के सामानों पर ग्रीस या तेल की परत चढ़ा देने से भी पानी और ऑक्सीजन दोनों के संपर्क में नहीं आएगा और जंग भी नहीं लग पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो, ये ट्रिक मैं खुद आजमाता हूँ। इस नट के ऊपर भी मैं ग्रीस लगा दिया हूँ ताकि ये बाद में मुझे खोलने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।